भिवंडी में 19वें ईद मिलाद जुलूस की तैयारियां जोरों पर हैं। रजा एकेडमी भिवंडी प्रतिनिधिमंडल ने डीसीपी और महानगर पालिका आयुक्त से मुलाकात की। भिवंडी 15 सितंबर रजा एकेडमी भिवंडी और ईद मिलादुल नबी जुलूस ट्रस्ट की ओर से 19वें जुलूस ईद मिलादुल की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जुलूस के संबंध में रजा एकेडमी के प्रतिनिधिमंडल ने भिवंडी के डीसीपी नवनाथ डोले और भिवंडी महानगर पालिका आयुक्त अजय वेद के साथ बैठक की। रजा एकेडमी भिवंडी के अध्यक्ष मोहम्मद शकील रजा साहब ने बताया कि ईद मिलाद का जुलूस शुक्रवार 29 सितंबर 2023 को दोपहर 3 बजे को टोल गेट से निकाला जाएगा और मामू भांजा की दरगाह के विशाल मैदान में समाप्त होगा। जुलूस में करीब 2 से 3 लाख लोग शामिल होते हैं। जुलूस का रास्ता बहुत खराब है, रास्ते में सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। बैठक में उपस्थित महानगर पालिका आयुक्त अजय वेद साहब और रईस शेख, आमदार भिवंडी पूर्व महेश चोगले, आमदार भिवंडी पश्चिम ने सभी समर्थन का आश्वासन दिया। आयुक्त ने अधिकारियों को बुलाकर जुलूस मार्ग का सर्वे कर मार्ग दुरुस्त करने का आदेश दिया, साथ ही जो चेंबर खुले हैं उन्हें भी बंद कर दें। शाम को सांकल भिवंडी में पुलिस विभाग ने ईद मिलाद जुलूस ट्रस्ट, भिवंडी शानंता समिति, गणपति मंडल और शहर के प्रमुख लोगों की एक बैठक बुलाई। गौरतलब है कि इस साल ईद मिलाद का जुलूस और गणपति विसर्जन एक ही दिन यानी 28 सितंबर को आ रहा है। खिलाफत हाउस मुंबई में हजरत सैयद मोइन मियां और अलहाज सईद नूरी साहब की घोषणा पर शकील रजा ने यह भी घोषणा की कि भिवंडी में ईद मिलाद का जुलूस भी एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है, यानी 29 सितंबर 2023 शुक्रवार को निकाला जाएगा। इस घोषणा का स्वागत करते हुए भिवंडी के डीसीपी नवनाथ डोले ने शकील रजा को फूल भेंट किए। श्रीमान डीसीपी, श्रीमान यातायात पुलिस, ACCP, श्रीमान यातायात पुलिस निरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक निजामपुरा, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक भोईवाड़ा, नगर निगम अधिकारी, टोरेंट पावर अधिकारी, रजा एकेडमी सदस्य, ईद मिलाद जुलूस ट्रस्ट के अधिकारी, भिवंडी शांता समिति, गणपति मंडल एवं शहर के प्रमुख लोग उपस्थित थे। रजा एकेडमी भिवंडी के महासचिव शर्जील रजा ने बताया कि इस साल जुलूस की क़यादत करने के लिए बरेली शरीफ से नबीरा आला हजरत, हजरत अलामा मौलाना तौसीफ रजा खान साहब, डिप्टी सजादा नशीन बरेली शरीफ आ रहे हैं। जुलूस को लेके तो तकरीबन जितनी ऑफिशियली बात थी, रोड को लेके, पावर को लेके, खड्डे को लेके, तो डीसीपी साहब और म्यूनिसिपल कमिश्नर दोनों एमएलए या काफी जितने कर्मचारी थे सब म्यूनिसिपलिटी में आज 12 बजे मीटिंग हुई और उसमें तकरीबन हर मुद्दे पे बात हो गई। मगर मैं ये जो है जनरल मीटिंग है, यहाँ पर हर किस्म के लोग है, तो मुझे बताना चाहूंगा कि जुलूस जो 28 तारीख को था वो गणपति के वजह से हमने उसको 29 तारीख कर दिया है। अब जुलूस जो है जुम्मा के दिन दोपहर में जुम्मा की नमाज के बाद कोटागढ़ मस्जिद से निकलेगा, तो कोटागढ़ मस्जिद पे एक स्टेज लगा रहता है, वहां पर सब जो है सब लोग बुलाया जाता है। मैं साहब को भी जो है दावत दूंगा कि आप भी हर सब डीसीपी साहब वहाँ आते हैं, आप भी आइए, हमारे जो कायद होंगे, जो चीफ गेस्ट होंगे वो वहाँ मौजूद रहेंगे, उनसे इस्तकबाल करेंगे। हम जो है इन्विटेशन कार्ड छापते हैं, दावतनामा लेके आपके ऑफिस में आएंगे, आपको देंगे, सबको देंगे। मगर वहाँ से कोटा गेट से निकलेगा निजामपुरा होते हुए और फिर वो निजामपुरा पूरा रोड होते हुए वंजापरी नाका जाएगा, तो निजामपुरा की रोड में कुछ जगह खड्डा उड्डा खोदा हुआ है, मगर उसके बारे में भी आज म्यूनिसिपलिटी में काफी अच्छी मीटिंग हो गई और वहां पर कमिश्नर साहब और डीसीपी साहब ने वहां 26 तारीख की डेडलाइन दी कि 26 तारीख तक का पूरा हो जाएगा, 26 तारीख को फिर बैठना है और वहां आपको बता दिया जाएगा कि क्या बाकी है क्या नहीं बाकी है। वहां सब म्यूनिसिपलिटी डोरन वाले लोगों ने बहुत अच्छा जो है वहां पर ताउन करने की वहां बात की है। तकरीबन सर बात हो चुकी थी, मगर जैसा कि हर साल होता है हम असर की नमाज जो है वंजापरी नाके पे बाहर मदीना मस्जिद में रुक जाएंगे, इसलिए कि ये हिंदुस्तान का पहला जुलूस है मेरी मालूमात में जिसमें कोई व्हीकल नहीं, कोई नारा नहीं, कोई डीजे नहीं, कोई दूसरे किस्म का गाना नहीं, म्यूजिक नहीं, कुछ नहीं होती है। जबकि आप दूसरे इलाके में जाएंगे वहां का जुलूस देखेंगे तो आपको हैरत होगी, यानी पब्लिक कम होती है, इतनी गाड़ियां होती है और हर गाड़ी पे डीजे ऐसा बजता है कि आदमी अटैक का मरीज तो मर जाए। वैसे ये पहला जुलूस है साहब जिसमें सिर्फ पब्लिक होती है, और एक लारी होती है, एक बग्गी होती है और 2-3 जीप वगैरह होती है वीआईपी को बढ़ाने के लिए, तो वहाँ रोक दिया जाता है, वह नमाज पढ़ते हैं असर की, फिर वहां से माउ मंदा ग्राउंड में पहुंचेंगे,
वहाँ मगरिब की नमाज पढ़ेंगे, वहाँ दुआ होगी, स्पीच होगी और जुलूस अमन के साथ इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। और जिस तरह जितने अमन से जाएंगे उससे ज्यादा अमन से वापस पलटेंगे, ऐसी उम्मीद है। अब हमारे जो है अलग अलग किस्म के तकरीबन 5000 वॉलंटियर होते हैं, 500 वॉलंटियर अमामा बने रहेंगे, तो वो अलग अलग कैटेगरी में हम पूरी भिंडी में उसको फैला देते हैं। और वो तो आपने जो हमारे सीनियर साहब से हम कॉन्टेक्ट में रहते हैं, कहाँ उम्मीद मिस हो रहा है। खाली मेरी एक विनंती है साहब कि एक घंटा पहले हमको परमिशन कापी मिलती है, तो एक घंटा पहले मिलेगी या 10 पेज का परमिशन रहता है, तो उसको पढ़ के हम उस पर अमल कैसे करेंगे? एक घंटा पहले या आधा घंटा पहले हमको परमिशन कापी हाथ में मिलती है जुलूस के, यानी वहाँ जुलूस निकलने वाला रहता है, स्टेज सज जाता है, परमिशन कापी तब हमको मिलती है, तो हम उसको पढ़ेंगे क्या, उसमें आदेश आपका क्या दिया हुआ, उस पर अमल कैसे करेंगे? तो हमको अगर 2 दिन पहले मिलेगा तो हम लोग उसको पढ़ के उस पर अमल करेंगे। तो इस दफा मेरी विनती है कि थोड़ा पहले जो है उसको दे दिया जाए तो अच्छा रहे। लेकिन रूटीन है, कुछ नई चीज उसमें करने वाले नहीं है हम लोग, ये सब कुछ रूटीन के मुताबिक है, तो उसमें कुछ भी नया करने वाले नहीं है। और वो जो कुछ बाकी जो है बातें हैं तो यहाँ बोलने के लायक नहीं है, मैं उसको जो है एप्लीकेशन के अंदाज में आपको दे दूंगा, तो वो इंशाल्लाह ताला उस पर आप देख लेंगे, तो उसके ऊपर आपको मैं जब कार्ड देने आऊंगा तो आपसे मीटिंग कर लूंगा। मगर एक बार बहुत बहुत फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जुलूस के लिए, इंतजामिया के लिए यहाँ पर हर मजहब के पुलिस बिरादरी, DCP साहब, ACP साहब और मेरे बहुत से भाई है, भोईर साहब, ये बहुत पुराने लोग है, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और सबको जुलूस में शरीक होने की दावत देता हूँ। हम जो है चाहते हैं कि सब लोग शरीक हो, इस सबका जुलूस है, सबका जुलूस है। जिस तरह भोईर साहब गणपति का त्यौहार मनाएंगे उन्होंने दावत दी, उसी तरह मैं जुलूस का जो है जिम्मेदार होने की हैसियत से आपको दावत देता हूँ। आप लोग आए, आपका वेलकम, आपका वहाँ खैर मुकदम किया जाएगा और उसमें जितना कोशिश हो हमारी मदद करें, अगर कहीं खामी होगी तो हमें फिर फेस टू फेस मिलकर हमें बताएं। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ से बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।